Welcome back to the next video of economics, video number 35. शुरू करते हैं आपका वीडियो नंबर 35, जो कि है आपका चैप्टर 10 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो, हर देशों में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया में जो मेन कारण है, पहला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है वो बहुत स्लो है, ठीक, जितना जरूरत है उससे कहीं कम हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम आ रही है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, इसलिए हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है। दूसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो कर रहे हैं बट पॉपुलेशन ग्रोथ हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और स्पीड ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें तो वो सबसे फास्टेस्ट इंडिया का, कुछ दिन में इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन के मामले में, और उतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, ठीक, हम उतना तेजी से ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना तय है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। देखो, इंडिया में एग्रीकल्चर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट का काम है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है। उसका दो कारण, एक तो ऐसा जियोग्राफिकल पोजीशन नहीं भारत का, दूसरा पानी की कमी होने की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेसिकली सीजनल एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, बाकी एक सीजन में काम पाते हैं फिर बाकी का अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी। सिर्फ 44% फार्मिंग एरिया इंडिया में ऐसा है जहां पर परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन है, बाकी जगहों पर इरीगेशन परमानेंटली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक समस्या आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का मतलब है कि एक परिवार में सब लोग जो रहते हैं गांव में, अब इससे क्या होता है, इससे वो ट्रेडिशनल काम करते हैं, घर की खेती करते हैं, और उसमें डिसगाइज तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट पा जाते हैं। अब वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है कि वो दिखता तो है कि हम काम कर रहे हैं बट उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ होती नहीं है, जिसकी वजह से कैपिटल की कमी धीरे धीरे पड़ने लगती है, ठीक है, तो कैपिटल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डीके ऑफ कॉटन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो आपने देखा कि किस तरीके से कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद कर दिए थे। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस जरूर किया बट फेल रहा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेल्ड टू जनरेट द इनफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है, तो एक तरीके से भी सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट है लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो है क्या भैया, लोग पैसा घर में सेव करके रखते हैं, अगर भाई पैसा लोग बैंक में सेव करें तो कम से कम बैंक के पास एक कैपिटल होगा, उस कैपिटल से इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं, इसी वजह से भारत में कैपिटल की कमी है। और आपको पता है अगर कैपिटल की कमी होगी तो आउटपुट, तो कैपिटल की कमी रहेगी तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिक कम आएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अच्छा, लेबर क्या है, लेबर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकता है ज्यादा, क्यों नहीं कर सकता, एक तो भारत में है कि लोग गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, दूसरा जाना भी चाहता है तो कुछ बैरियर्स हैं, कस्टम बैरियर, मतलब हो सकता है कि यहाँ के कल्चर और दूसरे में कल्चर ना मैच करें, हो सकता है उनके खान पान की दिक्कत हो सकता है, लैंग्वेज की दिक्कत हो सकता है, एजुकेशन की दिक्कत हो, तो ये सारे बैरियर्स बन जाते हैं जो लेबर्स की मोबिलिटी को रोकते हैं, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट से पहले प्रसंस्करण समस्या नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि हमारे पास जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है, ठीक। नेक्स्ट है लॉस ऑफ आउटपुट। अब मान लो कि सब एम्प्लॉयमेंट पाते तो आउटपुट ज्यादा आता, आउटपुट ज्यादा आता तो सबके पास पैसा भी ज्यादा रहता और जीडीपी बढ़ती, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वो आउटपुट नहीं आया। मान लीजिए कि 100 लोग के पास काम नहीं है, अगर ये 100 लोग काम करते तो आउटपुट बढ़ता देश का, ठीक, अब नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट घट गया, तो दैट इज लॉस ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है लो कैपिटल फॉर्मेशन। जब लोग काम नहीं करेंगे
काम नहीं होगा लोगों के पास तो नेक्स्ट कोई पैसा लगाएगा कैसे, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ तो आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, ठीक है। तो ये सीरीज बन जाती है पूरी, ठीक। और नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से आपने देखा कि प्रोडक्टिविटी कैसी है लोगों में, लो है, ठीक है। पूरा का पूरा परिवार मिलकर पांच लोग का काम 15 लोग कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी कैसी हुई, लो प्रोडक्टिविटी हुई। तो ये है आपके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करो तो पहला है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि लोगों की जिंदगी कैसी जाती है, खराब। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो लोग अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, अच्छी चीजें नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाएंगे बच्चों को, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, अच्छा काम काम नहीं होगा, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड कर जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट होगा एक तरफ कुछ लोग इम्प्लॉयड होंगे, इनके बीच का बैलेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी यानी कि रिच बिकम मोर रिच, रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर, ठीक है, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, एक तरीके से पूरा गैप बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सोशल अनरेस्ट। अब देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग हिंसक हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे। जैसे देखो आपने देखा होगा झारखंड वगैरह में जब जहां पे जॉब बिल्कुल नहीं है वहां क्या करते लोग, नक्सली बन जाते हैं, नक्सलाइट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सोशल अनरेस्ट हो जाता है, जो इकोनॉमी जो सोसाइटी एक स्टेबल पोजिशन में थी वहां पे एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण है। नेक्स्ट है क्लास, नेक्स्ट है आपका क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब सोसाइटी में दो तरीके का क्लास बन जाएगा, एक जिनके पास चीजें हैं दूसरे पास जिनके पास चीजें नहीं है। जैसे एक सोसाइटी में एक लोग हो जाएंगे जिनके पास बाइक्स है, दूसरा जिनके पास नहीं है, एक जो पढ़े हैं दूसरा जो पढ़े नहीं है। तो पूरी सोसाइटी, पूरा जो सोसाइटी आपका दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, हैव एंड हैव नॉट, यानी कुछ लोगों के पास चीजें हैं कुछ लोगों के पास चीजें नहीं है। तो ये इसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ऐसे करते हैं सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन डायरेक्ट लिंक करता है एम्प्लॉयमेंट को, अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि कैपिटल अगर हमने बढ़ा दिया तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो पहला सोल्यूशन हम ये देते हैं कि प्रोडक्शन ही बढ़ा दो, ठीक। दूसरा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। लेबर जो हमारे यहाँ पे है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड लेबर है, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि उससे प्रोड्यूसर के पास कम पैसे में ज्यादा काम कर लेगा वो, तो वो और डिमांड करेगा लेबर्स की, तो इससे लेबर्स की डिमांड और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बहुत हाई है, जैसे समझो कि 4.3 है, मतलब एक रुपए का गुड बनाने के लिए अभी भी 4.3 रुपए का कैपिटल लगाना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर ये रेट कम कर दिया जाए, अगर ये रेट कम हो जाए तो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर घट जाए तो प्रोड्यूसर के पास लेबर के ऊपर खर्च करने का पैसा रहेगा, क्योंकि कैपिटल सस्ता होगा तो कैपिटल जब सस्ता होगा बचे हुए पैसे को लेबर पर खर्च कर सकता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि कैपिटल आउटपुट रेशियो मस्ट बी लो, ठीक। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इंडिया में लगभग 46% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है, इसके अलावा ट्रेड में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में, स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना कि उन्हें एक्सप्लॉयट और परेशान करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। एजुकेशनल कोर्सेज जब तक नहीं लाए जाएंगे तब तक समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी, तो इस नाते बिल्कुल ये कोशिश करके गवर्नमेंट को एजुकेशन को जल्द से जल्द रिफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। केरला में केरला सरकार ने अनएम्प्लॉयड लोगों से 500 रुपए लिए और बाकी पैसा खुद लगाकर इंडस्ट्रीज डेवलप की। तो इस टाइप के कुछ प्लान लेकर कि कोऑपरेटिव तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लान्स, ठीक है। जो प्लान बनाती है गवर्नमेंट, जो बजट पेश करती है गवर्नमेंट, उस प्लान में, उस बजट में गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे मनरेगा जैसे प्लान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए।
तो ये तो सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भारत सरकार ने स्किल इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया जैसे कंपेन चलाकर काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट को दूर करने, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश की है, ठीक। और ये चैप्टर यही खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 भी हम खत्म कर चुके हैं, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यही पॉइंट अप कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।